जगीन साथियों, मैं दिल्ली से अलका लांबा बोल रही हूँ। मेरे हाथ में एक पर्ची है और जिसमें आज ANI की खबर आई और एक खुलासा हुआ है कि एक RTI एक्टिविस्ट मुंबई का है जिनका नाम है मनोरंजन एस रॉय। आप सुनेंगे कि कुछ दिनों में इनकी जान को खतरा होने वाला है और जितने भी RTI एक्टिविस्ट है उनकी जान को खतरा क्यों है, क्योंकि वो प्रश्न ही ऐसे पूछते हैं RTI में और इतने बड़े बड़े खुलासे करते हैं जिसमें बड़े बड़े नेता फंसते हैं। मनोरंजन एस रॉय ने क्या जानकारी RTI से मांगी थी? मनोरंजन ने जानकारी मांगी थी RTI एक्टिविस्ट ने कि नोटबंदी 8 नवंबर 2016 काला दिन भूलिएगा मत, उस दिन किस बैंक में जो है 500 और 1000 के पुराने नोट सबसे ज्यादा जमा किए गए। आपको सुनकर हैरानी होगी कि अहमदाबाद का जिला सहकारी बैंक जिसके सन 2000 से लेकर लंबे समय तक अध्यक्ष कोई और नहीं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी रहे, अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक, और आज तक वो उस बैंक के डायरेक्टर हैं। और RTI में खुलासा हुआ है कि नोटबंदी के दौरान सबसे कम समय में अगले 4 दिन में, यानी कि 8 नवंबर को नोटबंदी घोषित हुई, 14 नवंबर को सबसे ज्यादा 500 और 1000 के पुराने नोट जो है अमित शाह जी के इसी बैंक जिला सहकारी बैंक अहमदाबाद में जमा हुए। कितने? 745 करोड़ रुपए से अधिक अमित शाह जी के इस बैंक में नोट जमा हुए। और दूसरा बैंक RTI में कौन सा आता है? दूसरा बैंक आता है राजकोट का, जहाँ से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी अपना पहला चुनाव लड़े थे। राजकोट जिला सहकारी बैंक का नाम पूरे देश में दूसरे नंबर पर आता है और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष अभी जो राज्य गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी जी, उनकी कैबिनेट में मंत्री हैं कैबिनेट जयेश भाई बिट्टल भाई, ये केंद्रीय मंत्री है वहाँ पर, राज्य सरकार में मंत्री, इनका बैंक इसके आज भी अध्यक्ष है, ये राजकोट जिला सहकारी बैंक है। इनके बैंक में कितना जमा हुआ? लगभग 693 करोड़ रुपया, 693 करोड़ रुपया, यानी कि आप देखिए 1200 से 1500 करोड़ रुपया सिर्फ इन दो बैंकों में अगले 4 दिन में नोटबंदी के बाद जो है वो जमा हुआ। ये खुलासा RTI सूचना के अधिकार कानून के तहत किया गया है। अब आप सोच सकते हैं कि काला धन, इतनी बड़ी नोटबंदी 130 करोड़ के भारत पे थोपी गई, वो नोटबंदी का लाभ हुआ क्यों नहीं, वो काला धन कब सफेद हो गया, कहां सफेद हो गया, किसने सफेद किया, ये RTI में आज खुलासा हुआ है। गूगल